नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों ने लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक हुई। नगरीय प्रशासन मंत्री और संचालन समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भूपेंद्र सिंह का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर हमारी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। वही कमलनाथ द्वारा निकाय चुनाव की बैठक लेने पर मंत्री ने कहा है कि वो उनकी पार्टी का मसला है, इसके बारे में वो ही जाने। इसके साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा है कि चुनाव में बजट की कोई कमी नहीं है। भूपेंद्र सिंह से बात की अनादि टीवी के संवाददाता अंकुर अद्वर्य ने। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री सर, किस तरह की बीजेपी की तैयारी आज बैठक की हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। चुनाव संचालन समिति की बैठकें लगातार हो रही है, उसमें पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ जो पूर्व महापौर हैं जिनको इन संस्थाओं का लंबा अनुभव है, वो सब इस समिति के सदस्य हैं और पूरी कार्ययोजना चुनाव की दृष्टि से बन रही है। चुनाव संचालन समिति ये काम कर रही है। कमलनाथ भी एक बैठक लेने जा रहे हैं हिंदुस्तान? नहीं, देखिए वो अपने बैठक ले, उनकी पार्टी की बैठक है, इससे हम लोगों क्या करना। सर, बजट की आ रही तो नहीं आएगा इसमें? नहीं, बजट की कोई कमी नहीं है, बजट पर्याप्त रहेगा। बिल्कुल, ये थे भूपेंद्र सिंह जी। इनका यही कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं, हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं। रही बजट की बात, तो बजट की कहीं कोई कमी नहीं आई। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अधोरी हूं।